नमस्कार, आप सब कैसे हैं? तो मेरे चैनल राकेश पंडित ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और बताइए कैसे हैं, चाय नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ? मेरा चाय नाश्ता हो गया है फाइनली। जो है फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया जो है इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है। हमारे जो है भगवान से जुड़ी हुई वीडियो है, बहुत ही बढ़िया है। आप देखेंगे तो आप भी अपने विचार में, अपने मन में ये विचार लाएंगे कि हम भी वो चीज़ करें। आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं कि सबके मन में जिज्ञासा जाग उठेगी कि मैं भी ये चीज़ करूं। मैं ऐसा चीज़ दिखाने वाला हूं आप लोगों को फ्रेंड, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों के। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। इसलिए मैं आज एक अच्छी वीडियो बनाने जा रहा हूँ फ्रेंड। आप सब देखिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, राकेश पंडित ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड, फाइनली मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ। और टनन, आप देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल जी हैं फ्रेंड। आपको मैं दिखा रहा हूँ, मेरे लड्डू गोपाल जी हैं यहाँ बैठे हुए हैं। सब इनका सारा सामान है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर पूरा खिलौना हुआ इनका रखा हुआ है। मैं कैमरे की तरफ आपको इसको छोटा छोटा जूम करके दिखाऊंगा फ्रेंड, बारी बारी। या पहले लड्डू इनका दर्शन करिए फ्रेंड। मैं जो है इनका सेवा करता हूँ, इनका पूजा करता हूँ। आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल जी हैं हमारे घर में, इनको बहुत सेवा किया जाता है इनका। सुबह नहला धुला कर फिर उसके बाद पूजा किया जाता है, आरती किया जाता है फ्रेंड। देख सकते हैं अभी फूल उनके पास चढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद घर में जो भी चाय नाश्ता बनता है सबसे पहले इनको दिया जाता है फ्रेंड। आप सब देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर दृश्य है। भगवान के दर्शन सभी लोग करो, मैं यही चाहता हूँ, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। जिसको जिसको भगवान का सेवा करना हो वो अपने घर में ला सकते हैं। और इसी तरह जैसे मैं इनका व्यवस्था पूरा किया हूँ, आप भी ऐसा व्यवस्था करके इनकी सेवा कर सकते हैं, अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। क्योंकि भगवान की सेवा करोगे तभी आगे बढ़ोगे। सब जो है इनके ऊपर ही चल रहा है पूरा संसार, पूरे सृष्टि की रचयिता भगवान ने ही की है। तो साथ में इनका भी सेवा करना ज़रूरी है फ्रेंड। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने बहुत बड़े बड़े घरों में जाके देखा है, बहुत खुशी होते हैं सब लोग। तो डॉग पाल लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं। डॉग पालने से क्या होगा आप बताओ फ्रेंड? जब भगवान की सेवा करोगे, लड्डू गोपाल की सेवा करोगे तो जीवन भी धन्य होगा आपका। और इनकी सेवा करने में फ्रेंड बहुत ही आनंद आता है, जीवन धन्य हो जाता है, आदमी को मोक्ष प्राप्त होता है। और कुत्ते की सेवा करने में कुछ नहीं मिलता, आप जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे। इसीलिए मेरा राय है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप सब लड्डू गोपाल को अपने घर में लाइए और उनकी सेवा पूजा करिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा फ्रेंड। तो मैं फ्रेंड मैं आपको अब बारी बारी दिखाऊंगा सारी चीज़ें। जैसे 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 मैं कैमरा की तरफ घुमाऊंगा, आप सब देख सकते हैं फ्रेंड जो इस पे बैठे हुए हैं। इनका आसन है बहुत ही बढ़िया है, तख्ता है, इस पे बैठे रहते हैं टाइम जो है। उसके बाद इनका जो है कुर्सी भी है, कुर्सी पर भी बैठते हैं फ्रेंड। फ्रेंड देख सकते हैं इनके लिए छोटा सा कुर्सी भी है, जब इनको कुर्सी पर बैठना रहता है तो कुर्सी पर भी बैठा दिया जाता है। फिर उसके बाद फ्रेंड सोने के लिए इनका बेड है, स्पेशल बेड है। और मोर का पंख भी इनके बेड पे हरदम लगा रहता है। और इनके छोटा सा तकिया है फ्रेंड, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। और ये इनका जो है बिस्तरा है, इस पर जो है लेटते हैं, ऐसे लेटा दिए जाते हैं। फिर ठंडी आ गई है फ्रेंड, तो ठंडी में रजाई की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये रजाई है, ये से लेटाने के बाद फ्रेंड ऐसे करके ऐसे उनको ओढ़ा दिया जाता है।
अपना आराम से सोते हैं, ठंड भी नहीं लगती है कान्हा को। अब देखिए फ्रेंड, उसके बाद जो है सुबह नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं, इनका पूजा किया जाता है, आरती किया जाता है। सो फाइनली फ्रेंड, आप उसके बाद जो है ये कप है, इनको चाय दिया जाता है, चाय भी पी सकते हैं। अपने बर्तन में भी देता हूँ फ्रेंड, फिर उसके बाद जो है जब मन कर दिया तो कप में भी दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है, इनके लिए स्पेशली जो है कप मैंने ऑर्डर करके मंगाया था फ्लिपकार्ट से। फिर इसमें पानी दिया जाता है, इसमें जो है फ्रेंड चाय दिया जाता है। फिर चाय नाश्ता करने के बाद फाइनली जैसे बैठे हुए हैं इसी तरह से फ्रेंड बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद सबसे पहले जो है ये अपनी जो है बांसुरी, ये बंसी लिए हुए हैं, बंसी बजाते हैं। बंसी बजाने के बाद ये खिलौना देख सकते हैं आप, बहुत सारे खिलौना है फ्रेंड। ये डमरू है, इसको बजाते हैं, बहुत ही बढ़िया है, आप देख सकते हैं। स्पेशल जो है इनके लिए मैं फ्लिपकार्ट से सब सारी शॉपिंग किया हूँ फ्रेंड। फिर उसके बाद ये भी डमरू है, ऐसे ऐसे बजता है फ्रेंड, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, आप देखिए ऐसे ऐसे डमरू। फिर उसके बाद इसमें सीटी भी लगी हुई है, इसमें मुँह नहीं लगा सकता क्योंकि ये कान्हा बजाते हैं, इसमें आवाज़ भी निकलती है, कभी कभी बजाते हैं आवाज़ सुनाई देता है मुझे भी कि कहाँ सीटी बज रहा है। देखते हैं चमत्कार, सोचते हैं ये क्या हो रहा है, चमत्कार है भाई, जब इसमें सीटी बज रहा है तो चमत्कार ही है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड। आप सब अपने गाय हो अपने घर में लाइए कान्हा को। फिर उसके बाद ये झुनझुना है फ्रेंड, ये भी बजता है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, देख के बहुत ही मस्त है, देख सकते हैं फ्रेंड। फिर उसके बाद जब ये सब कुछ फाइनली वो खेल लेते हैं तब आती है कार की बात। ये कार है फ्रेंड, ये कार भी इसमें चाबी भी लगता है, बहुत स्पीड में जाता है, जब जैसे कहीं घूमना हुआ इसमें बैठ के घूम सकते हैं, आई होप आप सब भी घूम सकते हैं, छोटी कार है तो क्या हुआ, घूम सकते हैं। नहीं फ्रेंड, इसमें आप सब नहीं घूम सकते, मैं इसे हंसी मतलब कॉमेडी वीडियो बना दिया थोड़ा, क्योंकि आप सब जानते हैं मेरे वीडियो में कॉमेडी भी रहता है। सो फ्रेंड आई होप देख सकते हैं ये बड़ी गाड़ी है, इसमें तो ज़रूर घूम सकते हैं, हम भी बैठ के घूम सकते हैं फ्रेंड, कमेंट करके बताना हम घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते हैं। बहुत ही बढ़िया गाड़ी है फ्रेंड, ये रेल है, ट्रेन है, ट्रेन में सभी लोग सफ़र करते हैं। ये ट्रेन का इंजन है, लाइट है सभी, ये जो इंजन है ये इधर पीछे लगा हुआ, ये जो है इसमें टंकी उंकी रखा हुआ है, बिजली करंट पैदा करती है फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। तो फ्रेंड फाइनली जो है इसमें बैठ के कान्हा घूमते हैं, सुबह चाय नाश्ता करने के बाद ये सब झुनझुना झुनझुना डमरू में बजाने के बाद जो है इसमें बैठ घूमते हैं। फिर उसके बाद ये टेम्पू है फ्रेंड, जिस किसी को जैसे जहीं कहीं भी जाना हो ऑर्डर कर सकते हैं, हाँ कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे देना। जो है इसमें स्पेशली ड्राइवर बैठा हुआ रहता है, आप देख सकते हैं हर टाइम एनी टाइम स्टेयरिंग पकड़ के बैठा रहता है फ्रेंड। ये कहीं भी आप अपने कमेंट बॉक्स में मेरे जाके कमेंट करना कि मुझे कहाँ जाना है, ये आपको फाइनली फ्रेंड पहुँचा देगा। कहीं भी जाना हो, मुंबई, कलकत्ता, गोवा, हर जगह इसमें जादू है, कुछ ऐसा जादू है, मैंने जो है इसमें सर्च मारा है लेकिन अभी तक पता नहीं पाया हूँ कौन सा जादू है इसमें। बस बैठ जाओ, सोच लो कि मुझे वहाँ जाना है, तुरंत चले जाओ, ऐसा जादू है। क्योंकि जादू क्यों है फ्रेंड, ये हमारे लड्डू गोपाल का है, इसीलिए इसमें जादू है। तो फाइनली फ्रेंड इसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया, अब इसको मैं पीछे कर रहा हूँ साइड में। तो फाइनली फ्रेंड जो है ये एक खिलौना आ गया इनका, बाइक। वाह भाई, इसमें फ्रेंड स्टेयरिंग भी लगा हुआ, आप देख सकते हैं। फाइनली ये मैं ही बैठा हूँ, ये कोई नहीं बैठा है, फाइनली जो है दोस्तों ये मैं ही बैठा हूँ, राकेश पंडित ऑफिशियल, इसमें जो है राकेश जी बैठे हुए हैं, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं। इसमें बाइक है फ्रेंड, जो है अगर ऊंच खाल कहीं रहता है तो पलटी खा जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो फाइनली फ्रेंड देख सकते हैं कॉमेडी वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड, जो है ये तो खिलौना है आप सब जानते हैं, लोगों को इंटरटेनमेंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड बहुत ही फैंटास्टिक है,
इसमें मैं बैठा हूँ, चला रहा हूँ। अगर जैसे कहीं स्पेशली ये जो है, ये गाड़ी ऐसे खड़ा रहना चाहिए। ऐसे क्यों खड़ा रहना चाहिए कि इसमें जो है कान्हा को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो कान्हा ऑर्डर करेंगे, फिर बाइक ऐसे घुमाओ मार्केट चले जाओ, सामान लेके चले आओ तुरंत। फाइनली बाइक है, इसमें तेल भी कम लगेगा। और बाकी तो फोर व्हीलर आप देख ही सकते हैं, कार है, फिर उसके बाद टेम्पू है, ट्रेन भी है, एक टेम्पू और है, यहाँ बस भी है, ट्रेन भी, यहाँ जो है बस भी है। मैंने अभी इसको जल्दी में ऑर्डर करके मंगवाया है फ्रेंड, बस भी है, आप देख सकते हैं। ये है बहुत ही स्पेशली टूरिस्ट वाली बस है, मुंबई से, मुंबई टू दिल्ली, मुंबई टू दिल्ली चलती है फ्रेंड, आप देख सकते हैं इसको। बहुत ही लग्जरी बस है फ्रेंड, इसमें जो है लग्जरी बस है, हर चीज़ की सुविधा है इसमें, लैट्रिन है, बाथरूम है, सब चीज़ है, खाना भी मिलता है इसमें सब। एक बार टिकट करवा लो फिर उसके बाद इसमें बैठ के जाओ, किसी चीज़ की टेंशन नहीं। आपको लगेगा कि मैं घर में बैठा हूँ, इसमें इतनी अच्छी सीट है, इसमें बहुत ही बढ़िया बस है फ्रेंड, आप बैठ कर घूम सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठ के घूम सकते, बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं। ये न पलटी खा रही है न कुछ ही है, चल रही है। इसमें जो है कान्हा का आशीर्वाद है, इसमें कान्हा बैठ के घूमते हैं फ्रेंड। वैसे मैं कॉमेडी वीडियो बना रहा हूँ, ये कोई लग्जरी बस नहीं है, ये खिलौना है, ये सिर्फ खिलौना। फाइनली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कॉमेडी वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए आप लोगों को देखिए फ्रेंड। मेरे वीडियो में आप लोग देखते होंगे, कॉमेडी वीडियो में जुड़ी हुई वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, मज़ा आए मेरे वीडियो, तभी आप लोग मेरे वीडियो देखेंगे, मुझे पता है। फाइनली फ्रेंड जो है ये है हॉर्न, ये हॉर्न है, इसमें भजन वजन गाना होता है, आप गा सकते हैं इसमें, जो भगवान का मन कहता है बांसुरी बजाते हैं, इसको ऐसे कर देता हूँ तो बहुत तेज आवाज़ सुनाई देता है, ऐसे ऐसे करके सुनाई देता है। सो फ्रेंड फाइनली जो है मैंने सब कुछ दिखा दिया आप लोगों को, इनका खिलौना भी हो गया। अभी एक चीज़ और बाकी है, ये झूमना है फ्रेंड, बहुत ही मस्त है। अरे बांके बिहारी की देख दशा मेरो मन हो गए लटा पटा, मेरो मन हो गए लटा पटा। फाइनली आप सब बताइए, आप सबको मन क्या कर रहा है, लड्डू गोपाल को आपके घर लाना है कि नहीं लाना है? आप लाइए, मैं कहता हूँ आप लोग लाइए, लड्डू गोपाल को लाएंगे तो आपके घर में कोई भी परेशानी हो आपका सारा परेशानी दूर हो जाएगा। भगवान की सेवा करो यार, कुछ भी नहीं है यहाँ दुनिया में, कुछ नहीं है, क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे, सिर्फ भगवान की सेवा करो, मैं ये कहता हूँ फ्रेंड। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो, कुत्ता पालने से बढ़िया है अरे भगवान को पालो, इनके शरण में आ जाओ। घर में सब लोग बड़े बड़े कुत्ते, इतने बड़े बड़े कुत्ते पालते हैं फ्रेंड, मैं देखता हूँ उनका सेवा करते हैं दिन रात, और उसको अपने पास में सुलाते हैं। बताओ वो क्या देगा आप लोगों को, घर गंदा किया रहेगा, लैट्रिन कर देगा, बाथरूम कर देगा, और हमारे कृष्ण भगवान को लाओ, आपके घर में कैसी भी बीमारी हो, दलिद्रता हो, सब दूर हो जाएगा, अरे भगवान के शरण में आ जाओगे प्यारे। मैं तो ये कहता हूँ आप कृष्ण भगवान को अपने घर लाओ, स्थापित करो, मेरी तरह सेवा करो, इनके हो जाओ, अपना तन मन धन अपना शरीर सब इनको अर्पण कर दो, इनका सेवा करो बस। बाद में फ्रेंड आदमी मरने के बाद इन्हीं के पास जाता है, ये जीव है, जीव इन्हीं के पास जाता है, शरीर नहीं रह जाता है। मेरी बात मानो प्यारे, आज से ही शुरू हो जाओ, भगवान के शरण में आ जाओ, इनको अपने घर में ऐसे स्थापित कर लो, जगह दे दो, सेवा करो, सारे दुख सारे परेशानी दूर हो जाएंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, बस भगवान की सेवा करो प्यारे। मैंने सारी व्यवस्था रखी है आप लोगों को फ्रेंड, बता दिया। फाइनली जो है ठंड आ गई है, ठंडी का पूरा बिस्तरा दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिए, खिलौना दिखा दिए, ठंडी का कपड़ा भी पहन के बैठे हुए फ्रेंड। फाइनली देख सकते हैं, मैं आपको अब एक
फिर दिखाता हूँ, एक दृश्य दिखाता हूँ। ये इनका ठंडी का कपड़ा है फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया है। मैंने ये भी फ्लिपकार्ट से आर्डर करके मंगवाया था। इसको ऐसे पहन के, इसमें डोरी लगा हुआ है, टाइट कर देते हैं, ढीला टाइट होता है। एक कपड़ा हो गया फाइनली फ्रेंड। एक कपड़ा और है ठंडी का, इसमें टोपी भी है फ्रेंड। और फाइनली फ्रेंड दो कपड़ा हो गया, एक कपड़ा अभी ठंडी का पहन के रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा मैं उधर जाऊंगा, इधर थोड़ा फ्रेंड। फाइनली जो है अब मुझे उठना पड़ रहा है क्योंकि सामान उधर है। तो आप देखिए ये जो है इनका गर्मी का कपड़ा है फाइनली फ्रेंड, अदर है ये फ्रेंड। इनका साल है ये, मैंने मेरी सिस्टर जो है अपने हाथों से इसको बनाई थी मार्केट से ऊन ला के। इनका शॉल है, ऐसे पहन के ऐसे बांध लेते हैं, बहुत ही बढ़िया है शॉल। और ये उनका जो है फाइनली उनकी तौलियाँ है, नहलाने के बाद इनसे इससे पानी वानी सब पोंछ देते हैं उनके शरीर का फ्रेंड। और फ्रेंड ये जो है उनका लंगोट है, ये जो लंगोट पहनते हैं हम लोग, अंडरवियर पहन, भगवान है मेरे कृष्ण भगवान है तो उनको लंगोट की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने लंगोट बनवाया है फाइनली फ्रेंड। ये सब देख सकते हैं, ये गर्मी वाला इनका फ्रॉक है, कपड़ा है फ्रेंड, बहुत ही बढ़िया है। मैंने इसको जन्माष्टमी में मंगाया था। इसका लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। इसमें जो है आरी आरी चमकीला लगा हुआ है, कपड़ा भी बहुत अच्छा है फ्रेंड। इसको जब पहन लेते हैं तो एकदम मानो भगवान एकदम प्रकट हो गए हैं, एकदम विष्णु भगवान प्रकट हो गए हैं फ्रेंड। बहुत ही अच्छा दृश्य दिखता है। और ये भी उनका कपड़ा है फ्रेंड, आप देख सकते हैं, ये भी गर्मी वाला कपड़ा है। और साइड में एक कपड़ा और है, देख सकते हैं मैंने बहुत सारा कपड़ा इनका मंगा रखा है। देखिए फ्रेंड ये भी उनका कपड़ा है, बहुत बढ़िया लुक है। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, गुलाबी कलर है, बहुत अच्छा है फ्रेंड। और ये जो है फ्रेंड इनका जो है आसन है, ये इसमें बैठते हैं, बैठ के जब झूला उला भी है झूला में, इसी में बैठने के बाद फ्रेंड ऐसे ऐसे झूलते हैं। झूला बना के रखा हूँ, इसे कहीं बाद में दिखा दूंगा, अब नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड। और फ्रेंड उनका जो है मेकअप बॉक्स का सामान है इसमें, इसमें आप देख सकते हैं इनका जो है मोर है, अभी स्पेशली एक मोर लगा के बैठे हुए फाइनली फ्रेंड। ये भी इनका मोर है, मुकुट है फ्रेंड, सॉरी इसमें जो है मुकुट मैं रखा हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल दे रहा हूँ फ्रेंड। इनका बाल है, इनके सिर का बाल भी है, ये सब लगा के फाइनली पूजा किया जाता है, पूजा करने के बाद रख दिया जाता है। और इनका माला है फ्रेंड, ये भी एक तकिया इसमें रखा हुआ है फ्रेंड। ये सब रुमाल उमाल है इनका फाइनली फ्रेंड। इनका लिपस्टिक है, ओठ में लगाते हैं अपने, देख सकते हैं फाइनली फ्रेंड, बहुत सजते बजते हैं। और इनका ये काजल है फ्रेंड, इनका काजल है, आँख में लगाते हैं फाइनली फ्रेंड। और ऐसे ही जो पूरा मेकअप का सामान, बहुत मेकअप का सामान है फ्रेंड। फाइनली जो है शीशा भी इनका है, आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया शीशा है, छोटा सा है इनके साइज का है फ्रेंड, शीशा भी है बहुत बढ़िया है। हाँ तो फाइनली फ्रेंड जो है मैंने सब कुछ आपको, आई होप सब कुछ दिखा दिया, आपको अच्छा लगा हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी जो है अपने जो है घर में ऐसे ही कान्हा को स्थापित करेंगे फ्रेंड। इसमें जो है इनका बहुत सारा सामान आ जाता है, जो बिस्तर उस्तर वगैरह रहता है फाइनली फ्रेंड, ऐसे इसमें रख देता हूँ, सब इसमें ऐसे रख दिया जाता है इनके लिए स्पेशल जो है इनका इनका वो है सूटकेस है फ्रेंड। कैसा सूटकेस है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, बहुत बढ़िया है सब फ्रेंड। तो फ्रेंड फाइनली आइए जो है मैं एक बार फिर भजन आपको सुनाता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को एंड करूँगा। तो कृष्ण भगवान को दिखाते हुए मैं आपको भजन सुनाऊँगा। कैमरामैन आप इधर आ जाइए, भगवान को दिखाइए, भगवान को तो फाइनली फ्रेंड देख सकते हैं हमारे कृष्ण भगवान हैं। इसको जो है बजा के सुनाऊंगा तो अच्छा लगे फ्रेंड। दुनिया का सहारा मिले ना मिले, दुनिया का सहारा मिले ना मिले,
मुझ तेरा सहारा काफी है, मुझे तेरा सहारा काफी है। ओ कृपा की नजर मुझ पर कर दो, कृपा की नजर मुझ पर कर दो। खाली है झोली उसको भर दो, जन्नत का नजारा मिले ना मिले, जन्नत का नजारा मिले ना मिले, मुझ तेरा नजारा काफी है, मुझ तेरा नजारा काफी है। दुनिया का सहारा मिले ना मिले, मुझ तेरा सहारा काफी है, मुझ तेरा सहारा काफी है। तो फ्रेंड, भजन मैं सुनाता हूँ भगवान को, मैंने तो सब कुछ अर्पण कर दिया है इनके नाम, तो इनको मनोरंजन के लिए मैं भजन भी गाता हूँ फ्रेंड। तो फाइनली फ्रेंड, आई होप आप सबको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें। एक बार फिर मैं आपको पूरा सामान इनका दिखा देता हूँ। फाइनली फ्रेंड, आप देख सकते हैं पूरा सामान यहाँ रखा हुआ है फ्रेंड, ऐसे बैठे रहते हुए बहुत अच्छा इनका बढ़िया से मैंने व्यवस्था कर रखा है भगवान का, क्योंकि यही सब कुछ है मेरे लिए, प्रभु हैं मेरे सब कुछ हैं, मैं सब कुछ इनको अर्पण